हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिवन। 1 जून को आरपीएससी की तरफ से काफ़ी रिजल्ट जो हैं वो निकाले गए हैं। यहाँ पर सेकंड ग्रेड की जो है वो आंसर की वह भी डाली जा चुकी है, और जहाँ पर साइंस सब्जेक्ट, मैथ, पंजाबी और उर्दू इन 4 सब्जेक्ट की आंसर की आ गई है। तो आप लोग जो हैं वो अपना देख सकते हैं कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आरपीएससी, पहले ऐसा लग रहा था कि आरपीएससी रिजल्ट जो है वो आउट नहीं करेगी सेकंड ग्रेड का, क्योंकि सेकंड ग्रेड में काफ़ी जो है बच्चों का नुकसान होता है, बहुत धांधली हुई है, पेपर आउट हुए हैं। लेकिन अंतिम फैसला आरपीएससी की तरफ से यही किया गया है कि जो है इनका रिजल्ट अब निकाला जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रेस नोट जो है वह भी जारी हुआ है, और ये प्रेस नोट जो है इन 4 सब्जेक्टों से ही संबंधित है कि आयोग द्वारा जो है इन 4 सब्जेक्टों का मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई भी आपत्ति हो, तो आप लोग जो है समय दिया है 12 बजे से पहले 3 जून से लेकर 5 जून तक। ठीक है, तो आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मात्र 100 रुपये ही जो है वो आपके यहाँ पर खर्च होंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, तो सारी की सारी जानकारी यहाँ दी हुई है। आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक पर जाकर और आप आपत्ति जो है वो दर्ज करा सकते हैं। 100 रुपये लगेंगे आपके। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है वो सभी रिजल्ट जो है वो आ ही रहे हैं, और जहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि सेकेंड ग्रेड का जो है वो अब रिजल्ट नहीं आएगा, काफ़ी बच्चे जो हैं ये भी डिमांड कर रहे थे कि रिजल्ट नहीं भी आना चाहिए, क्योंकि उससे उनका ही नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ पर जिन बच्चों के हाथ में पेपर लग गए हैं, तो उन बच्चों का तो फ़ायदा ही होगा, उनकी जो है अच्छे मार्क्स जो हैं उनके बनेंगे। लेकिन जो आरपीएससी डिसाइड करेगा, तो वही जो है वो बच्चों को मान्य होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात भी थी कि फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल क्रमवाइज आना चाहिए, ताकि कुछ बच्चों को जो है यहाँ से फ़ायदा हो। थर्ड ग्रेड में जो है वो अपने आप ही कट ऑफ जो है वो डाउन चली जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी जो है वो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जो है वो पहले आउट कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने सब्जेक्ट की देख लीजिए, और 1-2 दिन में जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की आ जाएगी। जून माह में जो है वो सभी रिजल्ट आउट हो ही रहे हैं। यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं कि जो एसआई जो है उसका भी रिजल्ट आ गया है, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है यहाँ आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। यानी कि आज 1 जून को आरपीएससी के द्वारा जो है काफ़ी जो है वो काम दिखाई दिया है, तो जोरों से काम चल रहा है आरपीएससी की तरफ से। तो बच्चों को यहाँ पर जो है बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम जब दे देते हैं तो उन रिजल्ट का जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि कब जो है वो रिजल्ट आए और हमें पता लगे कि हमारे मार्क्स कितने हैं, हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं, आगे जो है वो हमें क्या करना है। तो चलिए, मिलेंगे जैसे ही और न्यूज़ आती है आरपीएससी की तरफ से, तो मेरे द्वारा आप लोगों को बताई जाएगी। थैंक यू।